हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्री मेडिसिन एडवाइस चैनल और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। दोस्त, आज हम बात करेंगे इस नीरी सिरप के बारे में जो कि बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है। चाहे वो आपके गुर्दे में पथरी की समस्या होती है या फिर आपको किडनी में पथरी की समस्या होती है यानी कि स्टोन की समस्या होती है, तो ये जो सिरप है ये बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस नीरी सिरप के बारे में, ये कौन से ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में, और दोस्तों ये भी जानेंगे कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे ढंग से ये सिरप काम कर सके। तो दोस्तों, ये जो नीरी सिरप है ये एमिल की बनाई हुई एक शानदार प्रोडक्ट है, और दोस्तों ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कि पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव सिरप है। और दोस्तों, इस सिरप की एमआरपी की बात की जाए तो इसकी एमआरपी 215 रुपीज़ है और ये 200 ml के पैक में आती है। दोस्तों, ये जो नीरी सिरप है ये बहुत ही बेजोड़ सिरप है। अगर आपको किसी प्रकार की स्टोन की समस्या है, चाहे वो स्टोन आपके गुर्दे में हो या फिर आपके किडनी में हो या फिर आपके पेशाब की जो नली है उसमें अगर आपको स्टोन की समस्या होती है, तो उसमें ये बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पेशाब करते वक्त जलन की समस्या होती है यानी कि यूटीआई में इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, तो उस स्थिति में भी ये सिरप जो है ये बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। अगर आपके यूटीआई में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गई है तो उस इन्फेक्शन को ये बहुत ही अच्छे ढंग से दूर करता है और उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और उस स्थिति में ये बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। तो दोस्तों, ये जो नीरी सिरप है ये एक प्योर आयुर्वेदिक सिरप है, और आइए जानते हैं इसके अंदर कौन कौन से आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण किया गया है। तो दोस्तों, इस नीरी सिरप के अंदर पुनर्नवा, पंचहत्रिन मूल, इक्षु मूल, गोखरू, छारीला, वरुण, कुल्था, पाषाण भेड़, दारु हरिद्रा, शुद्ध शिलाजीत, मौलिक कसर और शीतल चीनी जैसे प्रमुख पदार्थ मिलाए गए हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव हो जाते हैं। आपके किडनी या फिर गुर्दे में किसी भी प्रकार की स्टोन की समस्या है तो उसको ये बहुत ही अच्छे ढंग से बाहर निकालती है। और दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका यूज हम कैसे करें ताकि और ये बेहतर ढंग से हमारे स्टोन को निकाल सके। तो दोस्तों, जब भी आप इस नीरी सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो ये आप ध्यान जरूर रखें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको पेशाब होगी और पेशाब के रास्ते से ही किडनी की जो स्टोन होती है वो बाहर आती है। तो दोस्तों, ज़्यादा पानी अगर आप पीते हैं तो उसमें क्या होती है कि स्टोन जो है उसको निकलने में बहुत ही आसानी होती है। तो दोस्तों, और अगर इस सिरप का इस्तेमाल आप करते हैं तो ये जो सिरप है ये स्टोन को बाहर निकालती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे इस सिरप के डोज के बारे में। तो अगर आप एडल्ट हैं तो 10 से 15 ml तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 टाइम। दोस्तों, जब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह भी एक बार जरूर लें ताकि आपको इसकी सही डोज मिल सके। तो आप आधा कप पानी में मिलाकर इस सिरप को लें तो उसमें और ही ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से ये काम करती है। दोस्तों, ये जो नीरी सिरप है ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है अगर आपको इस प्रकार की समस्या होती है यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन में ये बहुत ही अच्छे ढंग से काम करती है, या फिर अगर आपको किसी प्रकार की किडनी में स्टोन है या फिर आपके गुर्दे में स्टोन है तो उसको ये बाहर निकालती है। और दोस्तों, साथ ही अगर आप पेशाब करते हैं और उस वक्त आपको जलन जैसी समस्या होती है या फिर पेशाब आपको कम होता है या फिर बार बार पेशाब होती है या फिर ज़्यादा पेशाब होती है, बहुत सारे लोगों को पेशाब करते वक्त मालूम नहीं होता है, तो उस स्थिति में भी ये बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। बहुत सारे लोगों को पेशाब करते वक्त ब्लड आती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की भी अगर समस्या रहती है तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो सिरप है ये एक आयुर्वेदिक सिरप है इसीलिए इसके साइड इफेक्ट भी लगभग ना के बराबर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी पहुँच सके। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएँ। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।